नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। काफी समय से भर्ती यहां पर लंबित चल रही है कि क्या होने वाला है, क्या रहेगा। नई सरकार आई और नई सरकार ने पिछली सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसको कर दिया कैंसिल कि भी सफाई कर्मचारी भर्ती पिछले सरकार के हिसाब से जो नोटिफिकेशन था उसको किया जाता है रद्द। नई सरकार है, नई भर्ती, नई चयन प्रक्रिया नए सिरे से होगी, नए नियमों पर होगी। बहुत से कड़े नियम यहां पर लगा दिए गए हैं और लगभग इस कड़े नियमों के बाद में इस भर्ती का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हालांकि इसमें जो अपडेट है इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सफाई कर्मचारी 2024 जो भर्ती रहने वाली है इसके फॉर्म वापस से शुरू हो गए हैं। पहले जिन्होंने फॉर्म लगाया है उनको क्या फॉर्म भरना है दोबारा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी सवाल है भैया आपके इस रिलेटेड, आपका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं, तो सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। पूरा वीडियो देखना है, फिर बाद में सवाल आप करते रहते हैं तो गलती है भैया, ध्यान रखें। सवाल जितने भी एक बार देख लीजिए। पद है जो 23,800 के आसपास पद है। फॉर्म फिर से शुरू हो गया है, नए सिरे से भर्ती होगी, नया पैटर्न है, कुछ बदलाव हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बिना परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं लगने वाली, लेकिन इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव है उसको लेकर बात करेंगे। नाम है सफाई कर्मचारी की भर्ती और योग्यता कुछ भी नहीं है, यानी 5वीं 8वीं 10वीं ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, कोई भी फॉर्म लगा सकता है। लेकिन योग्यता में एक जो अनुभव मांगा गया है वो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर होने वाला है। चलो भैया बात करते हैं, सीधे वैकेंसी की तरफ लेके चलता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। देखो भैया बात करें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, तो आपके लिए जानना जरूरी है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं उससे रिलेटेड। आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट थी और 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। फॉरम डेट्स भी सामने आ चुकी हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो सफाई कर्मचारी की भर्ती, यहाँ पर विज्ञापन संख्या है और लगभग 185 नगरीय जो निकाय हैं, 185 नगरीय निकाय जो रहने वाले हैं उन पर यहाँ पर 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है, ये ध्यान रखें। कोई एग्जाम नहीं है भैया। और फॉरम की बात करें, यहाँ पर फॉरम जो आपका है 7 अक्टूबर से एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा, 6 नवंबर तक आपका फॉरम भरा जाएगा। विशेष बात, जिन लोगों ने पिछले वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉरम भर रखा है उनको केवल फॉरम भरना है, फीस नहीं लगेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। फीस आपकी पहले लग चुकी थी तो आपकी फीस नहीं लगने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ये एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉरम भरना है। चलो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्स की तरफ, की क्या क्या जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखें आप केवल एक ही निकाय से आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर आपके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। एक ही जगह से आपको फॉरम भरना है, ठीक है, और प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। कोई पहली बार फॉरम भरना है तो भैया, अगर एसएसओ आईडी में आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो भैया आपको इस हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। और एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, अगर पहले आपने फीस दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर ग्रेटर सबसे ज्यादा पोस्ट 3370 आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद में देख लीजिए सभी का अलग अलग आपको डिटेल्स दिया हुआ है कहां से कितनी वैकेंसी है। सीकर में भी 550 वैकेंसी है भैया। बात करें यहां पर 410 भरतपुर में, 347 आपके भिवाड़ी में, जो सबसे ज्यादा उनके बारे में बातें मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 333 धौलपुर में है, देखो 258 सवाई माधोपुर, 315 गंगापुर और हिंडोन सिटी, 328, 470 हैं भैया आपके अजमेर में और 240 भी हैं आपके यहाँ पर, 246 है भीलवाड़ा में, 160 मांडलगढ़ में। तो ये बातें होगी पोस्ट से डिटेल से रिलेटेड। 407 उदयपुर में भी हैं भैया, 345 देख लीजिए जोधपुर उत्तर में। टोटल पोस्ट की बात करें तो ये जो डाटा आपका देखने को मिल रहा है 185 नगर निकायों का, ये देखो कोटा दक्षिण में 836, कोटा उत्तर में 448, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और टोटल की बात करें 23,800 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। और विशेष बात भैया, फॉरम आपको भरना है, समय से फॉरम भरना है। उसके बाद में इसकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी हुई है, हालांकि वीडियो पहले भी डाला हुआ इससे रिलेटेड, और बाकी जानकारी भी आपको मैं बता देता हूं। देखो यहां पर जो जानकारी है मुख्य रूप से योग्यता, राजस्थान के निवासी आप होने चाहिए, राजस्थान का आपके पास मूल निवास वगैरह होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यानी आप 5वीं पास हो 8वीं पास हो नहीं पढ़े हुए तो भी चलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, सफाई कर्मचारी भर्ती के पद पर भर्ती हेतु जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो। अब इसमें क्या है कि पहले तो किसी ने भी अपलोड कर दिया था अनुभव प्रमाण पत्र, उसको अब मान्य नहीं किया गया है। जो नई सरकार है इसने नए नियम लगाए भैया, यहाँ पे क्या कहा गया कि राज्य की नगर निकाय से ही आपका वह सर्टिफाइड होना चाहिए,
ये ध्यान रखे, नगर पालिका नगर परिषद जो भी है उनसे रिलेटेड आपका वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके अधिकारी से रिलेटेड वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे लगा पाएंगे, ऐसा इन्होंने बता दिया है। बाकी को अलाउ नहीं किया गया। देखो नगर पालिका नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी इनसे आपका वह जो सर्टिफिकेट है वो हस्ताक्षरित होना चाहिए। ओ ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और इसमें और भी जानकारी हम देख लेते हैं भैया, राष्ट्रीयता की बात तो हुई, राजस्थान के आप निवासी होने चाहिए। और वेतन की बात करें तो यहाँ पर लेवल वन का वेतन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन है वो बाद की चीज़ें, नॉर्मल है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और देख लेते हैं भैया कोई जानकारी इसमें, चयन प्रक्रिया। देखो चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बदलाव हुआ है, सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया, ये ध्यान रखो। एक कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, जो फॉर्म रहे हैं उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी, निकाय वाइज है ना, जो फॉर्म आपने लगाया जिस हिसाब से निकाय वाइज आपका लॉटरी निकलेगा उसके हिसाब से आपकी लॉटरी में अगर चयन होता है तो फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देना होगा, यानी सफाई करके आपको दिखाना होगा, ये प्रैक्टिकल में रहेगा, पहले लॉटरी रहेगी, लॉटरी में अगर नाम आता है तो फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और विशेष बात भैया कि जब प्रैक्टिकल देंगे तो आपको साफ सफाई करके आपको देखी जाएगी भाई आप साफ सफाई कहाँ से कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। और कोई नोटिफिकेशन इसमें खास नहीं है, सारी चीज़ें पहले वाला सेम PDF इन्होंने अपलोड किया है, बाकी एक दो जो बदलाव थे वो सारी चीज़ें जो मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये अपडेट है भैया सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड, जितने भी सवाल थे आपके मैं बता देता हूँ, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख लो अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती, सबसे अधिक पद हैं जो जयपुर में रहने वाले हैं। बात करें 7 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच फोरम, बर्दो सबसे ज़्यादा ग्रेटर में है, ध्यान रखें। और जिसने फीस पहले नहीं दी है उनको फीस देनी पड़ेगी, और जिन्होंने पहले फीस दे रखी उसको कोई फीस नहीं होगी। ये सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड वैकेंसी है। एक विशेष बात, इस वैकेंसी का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले तो सभी जगह के सर्टिफिकेट मान्य किए थे, बहुत लोगों ने पैसा लगा दिया, सर्टिफिकेट बनवा लिए, जो भी था जैसे भी था जिन तरीकों से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अभी इसको एक तरीके से कहूँ जो अनुभव है वो केवल और केवल यहाँ पर नगर पालिका नगर परिषद, जो वहाँ का जो आपका नगर निकाय है उससे रिलेटेड सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका ही यहाँ पर आपसे मांगा गया है। ध्यान रखें जो सर्टिफिकेट है वही आप फॉर्म लगा सकते हैं, इसके अलावा विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा मैं भी मायूस लग रहा हूँ, क्योंकि पहले जो वैकेंसी आई थी इसकी उसमें बहुत सा इंटरेस्ट और बहुत से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग बढ़ चढ़ के लिया था, लेकिन अभी इसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि इतना तरीके से मैं कहूँ कि भैया कोई विद्यार्थी पहले कितने पैसे लगा चुका है फॉर्म में, और अब वापस से नई सरकार आने के बाद में इसका पूरा ही सारी चीज़ें बदल दी गई, तो वो थोड़ी सी दुविधा होती है विद्यार्थी को। तो लेकिन फिर भी अब नोटिफिकेशन आया तो मुझे तो नोटिफिकेशन बताना पड़ेगा आपको, भाई जो भी अब एलिजिबल हैं वो तो भरेंगे फॉर्म, ठीक है, जो एलिजिबल नहीं है कोई बात नहीं, नहीं भरेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेगी चैनल के माध्यम से मिलेगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप देख लेंगे कंप्लीट डिटेल्स। थैंक यू।